औरत चाहे मर जाए लेकिन जुमे के दिन कभी गलती से भी ये काम ना करें, सारा रिस्क डूब जाएगा। खुदा का वास्ता है, सिर्फ जुमे के दिन ये काम ना करना, हरगिज ना करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, औरत चाहे मर जाए लेकिन जुमे के दिन झाड़ू लगाते वक्त ये गलती कभी ना करे, सारा रिस्क डूब जाएगा। अगर औरत ये गलती नहीं छोड़ेगी तो घर में कभी रिस्क, दौलत और बरकत हासिल नहीं कर सकेगी। बहुत से लोग ज्यादा से ज्यादा रिस्क हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए बहुत सी तस्बीहात पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं कि किसी तरह से उनके पास दौलत आ जाए, उनके घर से कभी रिस्क खत्म ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखा हुआ एक झाड़ू कैसे आपके रिस्क को डुबो सकता है, एक झाड़ू कैसे आपके कारोबार को मुतासिर कर सकता है। ये झाड़ू जिसे हम बहुत मामूली सा समझते हैं, इसको आम मत समझें। ये आपके घर को रिस्क दौलत से भर सकता है, खासकर जुमे के दिन, क्योंकि उस दिन में रिस्क लिखा जाता है। और अगर औरत झाड़ू लगाते वक्त ये गलतियां करना ना छोड़े तो घर में आने वाले रिस्क को डुबो सकती है। कहते हैं जिस घर में हर वक्त सफाई रहती है वहाँ रिस्क की कमी नहीं आती, और उस घर से बरकत कभी खत्म नहीं होती। आपने सुना होगा और हदीस पाक में भी आता है कि बावजू रहने से रिस्क दौलत में इजाफा होता है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। जो लोग खुद को और घर को पाक साफ रखते हैं वो रिस्क दौलत से कभी महरूम नहीं रहते, हर वक्त रिस्क के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। और जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, घर में हफ्ते बाद झाड़ू लगाते हैं, घर से मकड़ी के जाले साफ नहीं करते, वो घर बरकत से महरूम हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को औरत की ऐसी गलती के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जुमे के दिन झाड़ू लगाते वक्त कभी ना करें। अगर वो चाहती है कि घर में रिस्क दौलत की बरसात हो तो वो अपनी इन गलतियों को छोड़ दे। पहले नंबर पर, जो औरतें घर में प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती हैं, वो झाड़ू लगाने के बाद अच्छी तरह धोकर रखा करें। कुछ खवातीन ऐसे ही झाड़ू मारकर दीवार के साथ लगा कर रख देती हैं, जरासीम और गंदे मादे उसके साथ लगते रहते हैं जो घर में नहुसत की वजह बनते हैं। प्लास्टिक का झाड़ू हमेशा लगाने के बाद धोकर रखना चाहिए। झाड़ू लगाते वक्त औरत की एक सबसे बड़ी गलती जो पूरा घर ले डूबती है, बेबरकती आ जाती है, वो ये कि झाड़ू लगाने के साथ साथ गाने सुनना। जी हाँ दोस्तों, बहुत से घरों में औरतें या तो अपने कानों में हैंड फ्री लगा लेती हैं या ऊंची आवाज में गाने लगा देती हैं और सोचती हैं चलो गाने सुनने के साथ साथ घर की सफाई भी हो जाएगी और वक्त भी जल्दी गुजरेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता ये जो गाने वो सुन रही हैं वही उसके घर से सारी बरकत ले जाएंगे। औरत ऐसा कभी ना करे, खासकर जुमे के दिन। जिन औरतों को ये बुरी आदत है, गंदी आदत है कि सफाई के साथ साथ घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ कपड़े धोने के साथ साथ गाने लगा लेती हैं, वो ये गलती कभी ना करे। जुमे के दिन जो औरत घर में झाड़ू लगाते वक्त दुरूद पाक पढ़ती रहती है, दुरूद पाक की बरकत से उस घर से कभी रिस्क खत्म नहीं होता, क्योंकि जुमे के दिन दुरूद पाक पढ़ने की बहुत फजीलत है। हजरत औस बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक सबसे बरकत और फजीलत वाला दिन जुमा का दिन है, लिहाजा इस दिन में मुझ पर खूब दुरूद भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मेरे सामने पेश किया जाता है। अबू अल अब्बास अहमद बिन मंसूर का जब इंतकाल हो गया तो अहले शिराज में से एक शख्स ने उसको ख्वाब में देखा कि वो शिराज की जामे मस्जिद में मेहराब में खड़े हैं और उन पर एक जोड़ा है और सर पर एक ताज है जो जवाहिर और मोतियों से लदा हुआ है। ख्वाब देखने वाले ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा, अल्लाह जल्ला शानहु ने मेरी मगफिरत फरमा दी और मेरा बहुत इकराम फरमाया और मुझे ताज अता फरमाया, और ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत दरूद की वजह से। दरूद शरीफ की फजीलत इस्लामी इस्तलाह में एक खास अहमियत रखती है।
इस्लामी दीन में दरूद शरीफ का जिक्र कुरान और सुन्नत में कई बार आया है और इसकी फजीलतों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका मायने है बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी उस पर दुरूद भेजो। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी हदीसों में दरूद शरीफ की फजीलत की बात की है। उन्होंने फरमाया, जो शख्स मेरी एक बार दुरूद भेजे अल्लाह ताला उसके लिए 10 दर्जे की रहमत बनाता है। दरूद शरीफ भेजने वाले को बहुत बड़ा सवाब मिलता है। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरे पास आकर एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद भेजता है अल्लाह ताला उसके लिए 10 गुना सवाब लिखता है और उसके 10 गिने गुना माफ कर देता है। ये फजाइल कुछ हैं जो दरूद शरीफ की फजीलत को जाहिर करते हैं। इसलिए मुसलमानों के लिए दरूद शरीफ भेजना बहुत अहम इबादत है जो अल्लाह की रहमत और नबी की मोहब्बत में इजाफा करती है। एक और हदीस मुबारक सुनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिद्दीक अकबर रसूलल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए हैं। एक नौजवान आया, नबी अलैहिस्सलाम ने उसे अपने और सिद्दीक गुलामों के दरमियान बिठा दिया। फिर फरमाया कि अबू बकर मैंने तेरे और अपने दरमियान इसको बैठा दिया। इस बात पर हैरत तो हुई होगी, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी हैरत हो रही है। फरमाया, मेरा ये नौजवान उम्मती पर ऐसा दरूद शरीफ पढ़ता है कि जो दरूद शरीफ मेरी उम्मत में से कोई दूसरा मुझ पर नहीं पढ़ता। इसकी वजह से मैंने इसको अपने करीब बिठाया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया वो क्या दरूद शरीफ पढ़ता था। हमारे अकाबिर उलमा ने बाकायदा तफसील लिखी है कि किस किस मौके पर दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, मस्जिद में दाखिल होते हुए या मस्जिद से निकलते हुए दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अत्तहियात में भी दरूद शरीफ सब पढ़ते हैं। जब मस्जिद पर नजर पड़े तो उस वक्त भी दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। बाजार में दाखिल होते हुए दरूद शरीफ पढ़ेंगे, घर में दाखिल होते हुए, घर से निकलते हुए भी दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अगर बंदा कोई बात भूल जाए, चीज रख कर भूल जाए, बात भूल जाए, उस वक्त भी नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। वक्तुल फिकर तंगदस्ती के वक्त में भी दरूद शरीफ पढ़ें और जब किताब पढ़ने बैठें उस वक्त भी दरूद शरीफ पढ़ें। जब खुतबा देना हो, बयान करना हो तो भी दरूद शरीफ पढ़ें। जब इल्म की मजलिस का इख्तदाम हो तो भी दरूद शरीफ पढ़ें। दो मुसलमान भाई आपस में मिलें तो भी दरूद शरीफ पढ़ें। फिर मदारिस नबवी नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक जो पढ़ाई जाए तो उस वक्त भी दरूद शरीफ पढ़ें। नबी अलैहिस्सलाम का जब तज़किरा हो तो दरूद शरीफ पढ़ें। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का तज़किरा हो उस वक्त भी दरूद शरीफ पढ़ें। नबी अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने वाली कोई यादगार चीज का तज़किरा हो तो उस वक्त भी दरूद शरीफ पढ़ें। मदीना तैयबा में दाखिल होते हुए भी पढ़ें। इसीलिए कोशिश करें कि जुमे के दिन दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। कोई काम करें तो भी दुरूद पाक पढ़ना ना भूलें। उससे आपके रिस्क में भी इजाफा होगा और घर में बरकत और सुकून आएगा। और औरत कभी भी नंगे सर और नंगे पांव झाड़ू ना लगाए। कहीं ऐसा ना हो ये छोटी सी गलती उसके लिए और उसके घर वालों के लिए बेबरकती की वजह बन जाए। हमेशा झाड़ू लगाने के बाद जो बाल होते हैं उनको अलग से इकट्ठा करके महफूज जगह पर रख दिया करें। अगर घर में झाड़ू टूटकर गिरने लगे तो फौरन बदल लें, क्योंकि जब झाड़ू ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो वो टूटने लग जाता है और औरतें उसको धागे से बांध बांध कर गुजारा करती रहती हैं। ऐसा कभी ना करें। अगर वक्त पर झाड़ू तब्दील ना किया तो वो टूटा हुआ झाड़ू घर में आने वाली बरकत को तोड़ सकता है और घर में गुरबत के डेरे डाल सकता है। अपने बिस्तर, रूम या किचन में झाड़ू कभी मत रखें। जो औरतें सफाई करने के बाद कमरे या किचन में झाड़ू रख देती हैं, वो बेबरकती को अपने घर में आने की दावत दे रही होती हैं। झाड़ू हमेशा बाहर सहन में रखें और छुपा कर रखें। झाड़ू कभी भी खुलेआम नजर नहीं आनी चाहिए। झाड़ू के ऊपर गलती से भी पैर मत रख देना, वरना जिंदगी भर गरीबी में डूबे रहोगे। आपने अक्सर देखा होगा लोग लोहे के ऊपर पांव रखने से बड़ी सख्ती से मना करते हैं, क्योंकि अक्सर जो औजार होते हैं वो लोहे के बने हुए होते हैं।
और अगर कोई गलती से उसके ऊपर पांव रख देता है तो वो बड़े गुस्से के साथ उसकी तरफ देखते हैं। इस तरह झाड़ू के ऊपर कभी भी आपने पांव नहीं रख देना। बहुत से घरों में झाड़ू से जानवर को मारा जाता है। आपने देखा होगा घरों में चूहे को झाड़ू से मारा जाता है। मेंढक, सांप, बिल्ली, कुत्ता, इस तरह के जितने भी जानवर हैं उनको झाड़ू से कभी मत मारें। ऐसा करने से आपको गरीबी से भुगतना पड़ सकता है। अपने घर का झाड़ू कभी किसी दूसरी औरत को ना दें, वरना जो नुकसान होगा वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा खासकर गांव के लोगों में होता है। एक औरत दूसरी औरत के घर जाकर झाड़ू मांग ले और कहती है, थोड़ी देर तक वापस कर दूंगी। हरगिज़ अपने घर में इस्तेमाल होने वाला झाड़ू किसी दूसरी औरत को ना दें। इस तरह की और भी बहुत सी गलतियां हैं। ये जो बड़ी बड़ी गलतियां थीं, मैंने आपको बता दी। औरत कभी भी ये गलतियां ना करे। इंशाल्लाह फिर देखें हर घर में कितनी बरकत आना शुरू हो जाएगी, रिस्क दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हम सबको रिस्क दौलत से नवाजा है, लेकिन हम एक बात को भूल बैठे हैं कि जब भी अल्लाह से दुआ मांगे तो बरकत की दुआ मांगा करें। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि बरकत नहीं है। जब बरकत आ जाएगी तो सुकून भी होगा, औलाद भी होगी, औलाद ताबेदार भी होगी, और घर में रिस्क भी आएगा और कभी खत्म नहीं होगा। घर में बीमारी नहीं आएगी, घर वालों में प्यार और मोहब्बत पैदा होगी, सारे मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह पाक से बरकत के लिए जरूर दुआ मांगा करें और तमाम हजरात नमाज का एहतमाम करें, क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। ईमान और तसीह अकायदे मुताबिक मजहब अहले सुन्नत और जमात के बाद नमाज तमाम फराइज में निहायत अहम और आजम है। कुरान मजीद और हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अहमियत से माला माल है। जा बजा उसकी ताकीद आई और उसके तारकीन पर वईद फरमाई। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सूरतुल बकरा आयत नंबर 3 में मुत्तकी लोगों का दूसरा वस्व बयान करते हुए फरमाया कि वो नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करने से मुराद ये है कि नमाज के जाहिरी और बातनी हकूक अदा करते हुए नमाज पढ़ी जाए। नमाज के जाहिरी हकूक ये हैं कि हमेशा ठीक वक्त पर पाबंदी के साथ नमाज पढ़ी जाए और नमाज के फराइज सुन्नन और मुस्तहाबात का ख्याल रखा जाए और तमाम मुफस्सदात व मकरूहात से बचा जाए। जबकि बातनी हकूक ये हैं कि आदमी दिल को गैरुल्लाह के ख्याल से फारिग करके जाहिर और बातिन के साथ बारगाह हक में मुतवज्जा हो और बारगाह इलाही में अर्ज़ो नियाज और मुनाजात में महव हो जाए। कुरान मजीद और हदीस में नमाज के हकूक अदायगी के साथ नमाज पढ़ने वालों के फजाइल बयान किए गए और ना पढ़ने वालों की मुसम्मत बयान की गई है। चुनाचे सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक वो ईमान वाले कामयाब हो गए जो अपनी नमाज में खुशु और खुशु करने वाले हैं। इसी सूरत में ईमान वालों के मजीद औसाफ बयान करने के बाद उनका एक वस्फ ये बयान फरमाया, और वो जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, और उन औसाफ के हामिल ईमान वालों के बारे में इरशाद फरमाया, यही लोग वारिस हैं, ये फिरदौस की मेराज पाएंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे। नमाज में सुस्ती करने वालों और नमाजें जाया करने वालों के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक मुनाफिक लोग अपने गुमान में अल्लाह को फरेब देना चाहते हैं और वही उन्हें काफिल करके मारेगा। और जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बड़े सुस्त होकर लोगों के सामने रायाकारी करते हुए खड़े होते हैं और अल्लाह को बहुत थोड़ा याद करते हैं। और इरशाद फरमाया, उनके बाद वो नालायक लोग उनकी जगह आए जिन्होंने नमाजों को जाया किया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, तो अन करीब वो जहन्नम की खौफनाक वादी गई से जा मिलेंगे। मगर जिन्होंने तौबा की और ईमान लाए और नेक काम किए तो ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे इस वजू की तरह वजू किया फिर इस तरह दो रकात नमाज पढ़ी कि उनमें ख्यालात ना आने दे तो उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हजरत अकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है,
सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी मुसलमान अच्छे तरीके से वसू करता है फिर खड़े होकर इस तरह दो रकात नमाज पढ़ता है कि अपने दिल और चेहरे से मुतवज्जो होकर ये दो रकातें अदा करता है तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज पर मदाउमत की तो कयामत के दिन वो नमाज उसके लिए नूर पुरहान और निजात होगी, और जिसने नमाज की मुहाफजत ना की तो उसके लिए ना नूर है ना बुरहान ना निजात, और वो कयामत के दिन कारून फिरौन और हमन और हबीब बिन खल्फ के साथ होगा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो जहन्नम के उस दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होगा। नमाज दीन इस्लाम की अहम तालीमात में से एक है और इसकी अहमियत को हमारी इस्लामी तालीमात की रोशनी में निहायत बुलंद मकाम दिया गया है। नमाज एक इंसान की रूहानियत को बढ़ाने और उसकी माशरती जिंदगी को बेहतर बनाने का जरिया है। नमाज कुफ्र और ईमान के दरमियान एक दीवार है। नमाज अल्लाह से करीब होने का जरिया है। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज जन्नत की कुंजी है। ईमान के बाद नमाज ही का दर्जा है और कुरान करीम में कई जगह नमाज की अदायगी का हुक्म आया है। नमाज की अहमियत में सबसे अहम बात यह है कि ये अल्लाह की इबादत का जरिया है और उससे तौहीद अल्लाह की वहदानियत का इजहार होता है। हदीस में है कि बेशक कयामत के रोज बंदे के आमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अल्लाह हमें ज़ौक व शौक के साथ नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने मुकर्रबीन बंदों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में जरूर लिखें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।